बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोयटा के इलाके सिरकी कला में गैस लीकेज से धमाका, 7 अफराद जां बहक। धमाके से घर की छत गिरी, पूरा खानदान मलबे तले दब गया। 2 खवातीन और बच्चे जां बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। जां बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया कि इमरान खान के जामिन पेश नहीं हुए। वकील ने जवाब दिया कि जामिन को कैसे नोटिस कर सकते हैं, तरीका कार मुकम्मल नहीं हुआ। अदालत ने समाअत में 10 बजे तक वक्फा कर दिया। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट की गिरफ्तारी पहले ही जारी है। लाहौर हाईकोर्ट में 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर एतराजात आए। तकरीर नशर करने पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में समाअत आज होगी। इमरान खान सियासतदान नहीं है, इसलिए बात नहीं हो सकती। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, इमरान खान और तहरीक इंसाफ से क्या बात करें, वो यू टर्न पर यकीन रखते हैं। किसी को गिरफ्तार करना या ना करना मेरा नहीं, वजीर दाखिला का काम है। पीपल्स पार्टी पीटीएम का नहीं, हुकूमत का हिस्सा है। इमरान खान अगर मजीद इक्तदार में रह जाता तो मुल्क का सत्यानाश हो जाता। हुकूमत का चेयरमैन नैब को मजीद बाख्तियार बनाने का फैसला। वफाकी काबीना ने नैब कवानीन में तरमीम की सर्कुलेशन समरी से मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब एहतसाब अदालत से नाकाबिले समाअत करार मुकदमात को मुतल्लिका फोरम को भेज सकेंगे। चेयरमैन नैब नाकाबिले समाअत करार केस का जायजा लेकर मुकदमा बंद करने की मंजूरी दे सकेंगे। नैब तरमीम के तहत डिप्टी चेयरमैन सैनेट को पब्लिक ऑफिस होल्डर शुमार किया जाएगा। 21 ग्रेड का सिविल ऑफिसर, लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल डिप्टी चेयरमैन नैब बन सकेगा। PSL के मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने कराची किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। कराची किंग्स ने 164 रन बनाए। एडम रॉन्गस्टर 29 रन बनाकर आउट हुए। इमाद वसीम 30 और आमिर यामीन 23 रन पर नॉट आउट रहे। कोयटा ग्लेडिएटर्स के एमल खान और नसीम शाह ने 2-2 विकेट्स ली। ग्लेडिएटर्स ने 165 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। एवन टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एवन टीवी। एवन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।